प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं तनु, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए गुरुवार को काउंसलिंग की जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रत्येक प्रखंडों में गुरुवार को काउंसलिंग की जाएगी। 3500 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए जिला के शिक्षा पदाधिकारी और नियोजित इकाई प्रखंडों के प्रमुखों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। 28 मई तक नियोजन पत्र बांट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इन शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति मिडिल स्कूल में की जाएगी और यह बच्चों के शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के लिए जवाबदेह होंगे। जिला स्तर पर काउंसलिंग के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इस दिन सभी अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर उनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 13 मई को कोटिवार रिक्तियों के हिसाब से चयन सूची जिला के NIC के पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 8386 स्वीकृत पदों के लिए शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन की तिथि 9 मई तक निर्धारित की गई थी। हालांकि अभी भी 20 से अधिक जिलों ने नियोजन इकाई वार अंतिम मेधा सूची जारी नहीं की। उदाहरण के लिए पटना में 23 प्रखंडों में अभी तक केवल 14 जिलों ने मेधा सूची जारी की है। मुजफ्फरपुर के 16 में से 9 प्रखंडों में ही अंतिम मेधा सूची जारी की है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।